श्याम नर्सिंग होम एंड हर्ट सेंटर जो कि मोगा विखे स्थित है। ये हॉस्पिटल एक मल्टी स्पैशलिटी हॉस्पिटल है जिस विच हर तरीके की मॉडर्न फैसिलिटी मौजूद है। डॉक्टर सीमांत गर्ग जी जो कि MD मेडिसन ने अते डॉक्टर मोनिका गर्ग जो कि MBBS DGO ने दूरों दूरों मरीज इतने पहुँचते हैं तो अपना इलाज करवाते हैं। हुण श्याम नर्सिंग होम एंड हर्ट सेंटर विखे डॉक्टर मोहित सिंगला जी वालों सेवावां शुरू हो चुकिया ने जो कि MCH यूरोलॉजी कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट ने। साई टीम ने डॉक्टर मोहित सिंगला जी ने गलबात की जिन्होंने सानू यूरोलॉजी बारे विस्तार नाल जानकारी दी। आओ करदे हां गलबात डॉक्टर मोहित सिंगला जी दे नाल। दर्शक पंजाबला चैनल ते तुहाडा स्वागत है। अज असीं आए हां श्याम नर्सिंग होम एंड हर्ट सेंटर जिहड़ा कि मोगा विखे रेलवे रोड के उत्ते स्थित हैगा, जिहड़ा कि डॉक्टर श्याम सुंदर गर्ग ते डॉक्टर सीमांत जी की रहनुमाई चल रहा हैगा। और यह हॉस्पिटल जिहड़ा मल्टी स्पैशलिटी हॉस्पिटल है जिहदे विच हर तरह दी फैसिलिटी अवेलेबल ने और उस मल्टी स्पैशलिटी का हिस्सा ने डॉक्टर मोहित सिंगला जी जिहड़े एज ए यूरोलॉजिस्ट इत्थे ज्वाइन किया जिन्होंने। डॉक्टर स्वागत है तुहाडा साडे स्पैशल शो च। बहुत बहुत धन्यवाद जी। मैं डॉक्टर मोहित सिंगला मोगे दे रहण वाला हाँ ते इस हस्पताल दे विच मैं अपनी सेवावां 1 मार्च तो इत्थे ज्वाइन करके दे रहा हाँ। तो मेरा जिहड़ा पेशा यूरोलॉजी यानी कि गुरदे नाल संबंधित रोगों का विशा है, खास तौर पर उन्होंने ऑपरेशन के बारे जिहड़े भी है जिन्हां विच पत्थरियां दे ऑपरेशन आ जाते हैं जो आम जनता ज़्यादा समझ सकती है उही कि पत्थरियां गदूदा तो पेशाब नाल संबंधित कई समस्यावां जिवें जलन होना खून आना इन्हां दे कोई ट्यूमर कैंसर या होर वधेरे कई सारिया बीमारियां होंदियां वो सारिया अपनियां यूरोलॉजी ब्रांच के ही कवर होंदियां हन। डॉक्टर जिदा तुसीं गल कीती आ ऑपरेशन की गल की किडनी के ऑपरेशन की गल की कहना चाहोगे कि कुछ समा सीगा कि जो ऑपरेशन जिहड़े बड़े जटिल होंदे सीगे, बड़ा पेट बंदे का फाड़ना पैंदा सीगा, बड़े चीरे देने पैंदे सीगे, लेकिन अजकल जिहड़े ऑपरेशन हैगे आ यूरोलॉजी दे नाल संबंधित वो सारे की होल सर्जरीज हैगियां जिन्हां दे नाल ईवन उस तों वी एडवांस जिहड़ी हैगियां चीज़ां तुहाडे कोल आ गईयां जिहदे नाल कि पेशेंट नूं ना तां बाला चिर हॉस्पिटलां 'च रुकना पैंदा और ना ही ज़्यादा तकलीफ होंदी हैगी आ, कट बड़े छोटे लगते हैं, जल्दी वो अपने काम पर जा सकते हैं, हॉस्पिटल की स्टे बड़ी घट है। की कहना चाहोगे? वेखो जी, ये तो जिनी भी मैडिकल साइंस कल्ली यूरोलॉजी नहीं, सारी मैडिकल साइंस ही जो भी टेक्नोलॉजी के नाल नाल अगे वधी है। तो यूरोलॉजी विच तो खास तौर पर यह है कि जिनी हुण पत्थरियां दे ऑपरेशन है हर ऑपरेशन लई चीरे की लोड़ पैंदी सी। चीरा सिर्फ उस अंग ते नहीं लगता, उस अंग तक पहुँचने लई आपां नूं पहले पूरे शरीर नूं कट के पहुँचना पैंदा उत्थों तक। तो हुण यूरोलॉजी के लगभग जे आपां गल करिए आम ऑपरेशन 90% तो ज़्यादा ऑपरेशन दूरबीन के नाल ही हो जाते हैं जिन्हां विच कईआं च तां चीरा लगता ही नहीं, कईआं दे विच एक टांके जिन्ना चीरा लगता जिहदे विचों आपां दूरबीन मतलब शरीर के अंदर पाउणी है बस। तो पत्थरियां दे गदूद दे ते पेशाब दी थैली दे होर कई समस्यावां दे इह सारे ऑपरेशन तां हुण दूरबीन नाल लगभग हो ही जाते हैं। बहुत वड्डियां कैंसर दियां सर्जरियां जरूर उन्होंने आपां नूं क्योंकि चीरा उन्होंने तो देना ही पैना क्योंकि उन्होंने ऑपरेशन का अपना मकसद ही होर हुंदा है। तो आम बीमारियां जिहड़ियां आम आपां नूं देखण नूं मिलदियां 95% तक भी आपां जे कह लईए यूरोलॉजी दियां तो दूरबीन नाल हल हो जाता है। जिदा तुसीं गदूदां दी गल कीती आ, कोई समां सीगा कि लोगों नूं लगदा सी गदूदां दा ऑपरेशन जिहड़ा ज़्यादा सक्सैसफुल नहीं है और एक आपां नूं रूमर नहीं कह सकते, वैसे वाकई असीं भी कई पेशेंट देखे जिहड़े गदूदां दा ऑपरेशन वाला जिहड़ा ज़्यादा सक्सैसफुल, लेकिन जिस तरीके नाल हुण जिदा तुसीं दस रहे हो कि 90% जिहड़ियां सर्जरियां वो लैप्रोस्कोपिकली हो रही, की कहना चाहोगे कि गदूदां दे ऑपरेशन भी हुण सक्सैसफुल है, उन्हां 'च भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बंदां दा कोई ज़्यादा कट नहीं है और वो जिहड़ा हिस्सा हैगा जिहदे नाल बड़ी जल्दी बंदे क्योर हो रहे हैं? देखो जी, जिवें तुसीं लफ्ज़ यू वरत्या जिहड़ा लैप्रोस्कोपिकली, आपां जदों दूरबीन की गल करते हैं एक तो लैप्रोस्कोपिकली की हुंदा है, एक एंडोस्कोपिकली हुंदा है। लैप्रोस्कोपिकली जिवें पेट के जिहड़े दूरबीन के ऑपरेशन हुंदे उह लैप्रोस्कोपी राहीं हुंदे, उह भी दूरबीन है। बाकी जदों आपां गल करते हैं यूरोलॉजी की, आपां एंडोस्कोपिकली गल करते हैं कि जिवें पेशाब के रस्ते राही ही आपां आपदे जिहड़े ऑपरेशन करना। गदूदां जिहड़ियां गदूदां दा ऑपरेशन बहुत ही कामयाब ऑपरेशन है। ये जो आप कई बार गल करते हैं कि ऑपरेशन सक्सैस होया नहीं होया ते या जो भी कोई लोगों के मन च धारणा चली आती, सब तो जरूरी होंगे पेशेंट सिलैक्शन जिन्हों आप कहने हैं कि पेशेंट नूं आपां चंगी तरह एवैल्यूएट करके देखिए कि इहनूं गदूदां दे ऑपरेशन की लोड़ है या नहीं है, कि दवाइयां आपां पहले देखिए कि पेशेंट नूं ऑपरेशन की लोड़ है या नहीं है, या फिर दवाइयां नाल ही मैनेज किया जा सकता है। जे मरीज़ का हल दवाइयां नाल ही हो जाए तो कई बार आपां नूं ऑपरेशन की लोड़ भी नहीं पैंदी, लोड़ किए गए ऑपरेशन दे नाल फायदा ही हुंदा है। तो जे कोई कुछ होर कोई नुकसान हुंदे हो जिहड़े रूटीन कोई ऑपरेशन नाल जुड़े हुए नुकसान जिहड़े है
ਉਹ ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਇਹ ਸੋਚ ਲੈਂਦੇ ਕਿ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਹੀ ਗਲਤ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਗਦੂਦਾ ਦਾ ਦੂਰਬੀਨ ਨਾਲ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਾਰਗਰ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਦੱਸੋ ਸ਼ਾਮ ਨਰਸਿੰਗ ਹੋਮ ਐਂਡ ਹਰਟ ਸੈਂਟਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਮਾਡਰਨ ਓਟੀ ਔਰ ਵਰਲਡ ਕਲਾਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹਦੇ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਏਜਡ ਪੇਸ਼ੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਗਦੂਦਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਮਲਟੀ ਸੈਂਸਿਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹਰਟ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਨਾਲ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਆ, ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਡਾਕਟਰਸ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਇਹ ਮਤਲਬ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਕੰਪਲੀਕੇਟਡ ਕੇਸ ਆ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਹੋਸਪਿਟਲ 'ਚ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਾਰਟ ਦੀ, ਸ਼ਾਮ ਨਰਸਿੰਗ ਐਂਡ ਹੋਮ ਐਂਡ ਹਾਰਟ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੁਣੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਗਦੂਦਾਂ ਦੀ, ਅਤੇ ਗਦੂਦਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਰੀਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਲਗਭਗ 60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ 75-80 ਸਾਲ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹੁੰਦਾ, ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਉਮਰ ਵੱਧਦੀ ਹੈ ਉਵੇਂ ਹੀ ਹਾਰਟ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਬੰਧਿਤ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵੱਧਦੀਆਂ। ਅਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਤਾਂ ਲਾਭ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿੱਥੇ ਗਦੂਦਾਂ ਦਾ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੰਸਲਟੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹਾਰਟ ਦੀ, ਬੀਪੀ ਦੀ, ਸ਼ੂਗਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਮ ਤਿੰਨ ਇਹ ਮਿਲਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਜਾਂ ਸਾਹ ਦੀਆਂ, ਛਾਤੀ ਦੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਇਹ ਇੱਥੇ ਹੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ ਅਤੇ ਯੂਰੋਲੋਜਿਸਟ ਵੀ ਇੱਥੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਬੈਟਰ ਕੇਅਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਲਫਜ਼ ਵਰਤੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਸੰਭਵ ਹੁੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਾਇਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਮਿਲਦਾ ਹੀ ਹੈ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ, ਪੋਸਟ ਓਪਰੇਟਿਵ ਜਾਂ ਪ੍ਰੀ ਓਪਰੇਟਿਵ ਦੋਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਾਭ ਹੁੰਦਾ ਇਹਦਾ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਯੂ ਆਰ ਐਨ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ, ਯੂ ਹੈਵ ਲੌਂਗ ਲੌਂਗ ਡਾਟਾ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ, ਔਰ ਐਜ਼ ਏ ਯੂਰੋਲੋਜਿਸਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਮੋਗਾ ਵਿਖੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਗੇ 'ਚ ਯੂਰੋਲੋਜਿਸਟਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਸੀਗੀ, ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੂਰੋਲੋਜਿਸਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਹ ਕਮੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਸਰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਅਖੀਰ 'ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ, ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਫੀਲਡ ਹੈ ਸਪੈਸ਼ਲਿਟੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੇਵਨ ਉਹ ਚੰਗੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਕਰੋ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰਦੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਪਿਸ਼ਾਬ ਦੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੂਰ ਰਹਿ ਸਕੋ।